hello everyone how's the life i hope you are healthy and happy at your home so today is the our second part of spoken english class our first part of spoken english class was etiquette and good manners you have seen that video let's start today's topic is sentences of everyday use no no this is not any grammar topic it's a spoken english class okay

I have great respect for you. You can say I have respect a lot. मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ I am always at your service. I am always at your service. ऐसी शरारत फिर न करना Don't do such a mischief again. Mischief, शरारत Don't do such a mischief again. दूसरों में दोष मत निकालो Yes, it's a bad habit. So न यूज दिस सेंटेंस डोंट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स दूसरो में दोष मत निकालो डोंट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स फॉल्ट दोष फिफ्थ में यह नहीं होने दूंगा मैं यह नहीं होने दूंगा आई वॉन्ट लेट इट हैपन आई वॉन्ट लेट इट हैपन सिक्स मैं इसके विरोध में हूँ और यू कैन से मैं इसके विपक्ष में हूं आम अगेंस्ट इट आई एम टोटली अगेंस्ट इट सेवेंथ मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं आई फुली एग्री विद यू आई एग्री विद यू पूरी तरह आई फुली एग्री विद यू ओके स्टूडेंट्स नाउ एट मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है आई एक्सेप्ट योर ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आई एक्सेप्ट योर ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस नाउ नाइन्थ इस यह मेरी अज्ञानता के कारण हो गया यह मेरी अज्ञानता के कारण हो गया मेनी टाइम यू मेड द मिस्टेक्स एंड यू कैन यूज दिस सेंटेंस इट बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस इट हैप बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस नाउ टें कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए काइंडली पे अटेंशन टू वॉट आई से काइंडली पे अटेंशन टू वॉट आई से यस स्टूडेंट्स दिज सेंटेंसेज आर मिक्सअप ऑफ सिंफेथी अपोलोजी एंगर सो यू कैन यूज इन दिस सेंटेंस इन योर डेली लाइफ नाउ एलेवेंथ इज चिंता मत करो तुम्हारा कोई दोष नहीं है डोंट वरी यू आर नॉट इट फॉल्ट डोंट वरी यू आर नॉट इट फॉल्ट ट्वेल्थ मैं वहां जाने का इच्छुक नहीं हूं आई एम नॉट विलिंग टू गो देयर विलिंग इच्छुक आई एम नॉट विलिंग टू गो देयर थर्टीन मैं इस मामले में आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता सॉरी आई कॉन्ट हेल्प हेल्प यू इन दिस मैटर सॉरी आई कॉन्ट हेल्प यू इन दिस मैटर फोर्टीन मैं आपका उपकार हमेशा याद रखूंगा उपकार यू कैन से एहसान ओके आई सेल ऑलवेज रिमेंबर योर ऑब्लिगेशन आई सेल ऑलवेज रिमेंबर योर ऑब्लिगेशन मैं आपका उपकार हमेशा याद रखूंगा आई शेल ऑलवेज रिमेम्बर योर ऑब्लिगेशन ऑब्लीगेशन उपकार नाउ फिफ्टीन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इट मैक्स नो डिफरेंस इट मैक्स नो डिफरेंस मैं आपसे तंग आ गया हूं आई एम फैडअप विद यू और यू कैन से आई एम टायर्ड विद यू सेवेंटीन अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ नाउ प्लीज डोंट इट मी नाउ प्लीज डोंट इरिटेट मी इरिटेट गुस्सा ओके एटींथ मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन ओके यस स्टूडेंट्स यू कैन यूज दो थ्री सेंटेंसेस टूगेदर ऑल्सो लाइक मैं आपसे तंग आ गया हूं अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता सो यू विल से आई एम

Try again, don't give a half. Because if you think that you can't speak English well, doesn't matter because nobody is perfect in this world. You should try and try again. Okay, student. So, read these sentences, understand, and use them. Thank you.